हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5 मन का रोगी, जिसके लेखक हैं राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ। कैसे हैं विद्यार्थियों आप सब? विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5 मन का रोगी। मन का रोगी, रोगी यानी बीमार, जो मन से पूरी तरह बीमार हो गया हो, यानी जिसका मन जो है वह पूरी तरह बीमार है, उसमें किसी कार्य को करने की क्षमता शक्ति अब नहीं रह गई है, ऐसे व्यक्ति को मन का रोगी कहा जाता है। इस पाठ के लेखक हैं नाम राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ। ठिमाऊ यह उनका उपनाम है, उनका मुख्य नाम है राम निरंजन शर्मा। विद्यार्थियों, आप सब भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से यह बात जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। अगर मन से किसी बात को आप मान लेते हैं तो वैसा ही होता। अगर आप यह मान लेते हैं मन से कि अरे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी पराजय होगी। और अगर मन से संकल्प करते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं जरूर करूंगा, तो आपकी जीत होगी। तो ऐसे लोग जो मन के रोगी होते हैं, अर्थात मन से पूरी तरह निराश हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मन का रोगी कहा जाता है। आइए इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं वह पढ़ते हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से ठिमाऊ जी ने स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना फटकारना उचित नहीं है। मतलब लेखक हमें एकांकी के माध्यम से, एकांकी अर्थात जिसमें किसी एक घटना का वर्णन किया गया रहता है, उसे हम एकांकी कहते हैं। उसके माध्यम से लेखक ठिमाऊ जी हमें क्या बताते हैं कि जब स्कूल में, विद्यालय में परीक्षाएं होती हैं, तो कभी कभी कुछ विद्यार्थी बहुत कम अंक पाते हैं। स्वाभाविक है, आप में से भी कुछ एक होंगे जो कम अंक पाते हैं, तो या फिर परीक्षा में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो ऐसे समय पे माता पिता शिक्षक सभी उन बच्चों को डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं, ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं देता है। ऐसे समय में लेखक यहाँ पे वह बात कहते हैं कि बच्चों को डांटना फटकारना यह सही बात नहीं है। तो क्या सही है वह लेखक बताते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसी अवस्था मतलब जब बच्चा कम अंक पाया हो या असफल हो गया हो, तो ऐसी अवस्था में अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल ऊंचा करें। अध्यापक अर्थात शिक्षक टीचर, अभिभावक अर्थात माता पिता, उनका क्या दायित्व होता है, क्या काम होता है कि वे उस बच्चे को समझाएं, बुझाएं, उसकी मन की शक्ति को ऊंचा करें, मनोबल यानी मन की शक्ति को बढ़ाएं, ऊंचा करें कि कम अंक पाने से कुछ नहीं होता, तुम फिर से तैयारी शुरू करो, अगली बार अच्छे से कोशिश करो। प्रताड़ना की जगह, प्रताड़ना मतलब होता है दुख देना, प्रताड़ना की जगह उन्हें प्रेरणा दे, ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकेंगे। कुल मिलाकर लेखक ने यहाँ पर हमें यही बताया है कि यदि बच्चे कम अंक पाते हैं परीक्षा में या फेल हो जाते हैं, तो उन्हें डांटना डपटना नहीं चाहिए। यह न तो एक शिक्षक के लिए सही है, न एक माता पिता के लिए सही है, बल्कि माता पिता और शिक्षक का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि वे बच्चे को समझाएं, बुझाएं, उसकी मन की ताकत को बढ़ाने का काम करें। पहला दृश्य, पहला भाग, मध्यम वर्गीय परिवार का घर। मध्यम वर्गीय अर्थात मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का होना यानी मिडिल क्लास का होना, न अमीर होना न बहुत गरीब होना, यानी खाने पीने के शौक पूरे करने के सभी सामान उपलब्ध हों जिस घर में, उसे मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं।
रामेश्वर चिंतामग्न दिखाई देते हैं। अब कौन सा दृश्य दिख रहा है उसी का वर्णन है, चिंतामग्न होना अर्थात चिंता में डूबा हुआ रहना, परेशान रहना। सलिल का प्रवेश, प्रवेश मतलब आना, बच्चे का नाम है सलिल। वह रामकिशोर के सामने से गुजर जाता है, यानी वहां से रुकता नहीं है। रामकिशोर, रामकिशोर सलिल, सलिल नीची गर्दन किए खड़ा हो जाता है। रामकिशोर कहाँ गए थे? अब यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे रामेश्वर जो है यह गलत लिखा गया है, यहाँ रामकिशोर होना चाहिए। कहाँ गए थे? सलिल जी यही राकेश के पास गया था। रामकिशोर तुम्हें हजार बार कह दिया कि इधर उधर मत घूमा करो। अब होता यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार है, घर की जो स्थिति है वो मध्यम वर्ग की है, लड़के के पिता जो हैं वो रामकिशोर हैं, रामेश्वर गलत है, वे चिंतित हैं, कुछ दुखी हैं। इतने में उनका बेटा सलिल वहाँ पे आ जाता है और वह पिता के सामने रुकता नहीं, आगे बढ़ जाता है। फिर उसके पिता रामकिशोर उसे बुलाते हैं, उसका नाम लेते हैं। अपना नाम सुनकर पिता के द्वारा पुकारे जाने पर सलिल अपनी गर्दन को झुका लेता है, पिता से आंखें नहीं मिला पाता। तब उसके पिताजी प्रश्न करते थे कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पे गए थे, तो सलिल जवाब देता है कि वह अपने मित्र राकेश के यहाँ पर गया हुआ था। रामकिशोर वहाँ पे उसको धमकाते हैं और डांटते हैं कि तुमको कई बार मैंने कहा कि तुम यहाँ वहाँ मत जाया करो, कहीं घूमने टहलने मत जाया करो, इधर उधर। यह आपका शब्द युग्म है। अब यहाँ पर पढ़ करके यह पता चल रहा है कि सलिल वह घूमता रहता है, टहलता रहता है, मित्रों के यहाँ जाता रहता है, उसके पिता को यह बातें पसंद नहीं है। अब यहाँ पे आता है प्रश्न कि रामकिशोर जी के परिवार की स्थिति, तो उत्तर होगा मध्यम वर्गीय परिवार। रामेश्वर की जगह रामकिशोर देखिए, रामकिशोर जी इस तरह से दिखाई देते थे, चिंतामग्न दिखाई देते थे। साथ में ही यहाँ पे प्रश्न बना कि रामकिशोर जी के बुलाने पर सलिल इस तरह खड़ा होता है, तो उत्तर होगा सलिल गर्दन झुकाकर खड़ा होता है। रामकिशोर जी ने सलिल से यह प्रश्न पूछा, उत्तर होगा कहाँ गए थे। इस चिन्ह का नाम है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न बनता है आपका कि सलिल या इस मित्र के पास गया था, तो उत्तर होगा राकेश के पास गया था। अगला प्रश्न बनता है कि रामकिशोर जी ने अपने बेटे सलिल को कौन सी हिदायत दी, कौन से बात की चेतावनी दी कि तुम्हें हजार बार कह दिया कि तुम इधर उधर घूमा मत करो, इस बात की चेतावनी दी। अब दूसरा प्रश्न आता है, संबंध लिखिए सलिल राकेश, तो यहाँ आएगा मित्र। रामकिशोर और सलिल पिता और पुत्र। माँ का प्रवेश, ये दोनों बातें ही कर रहे थे तभी सलिल की माँ वहाँ पे आ गई जिसका नाम रामेश्वरी है। क्यों रे तू घर पर नहीं टिकता, इससे हजार बार कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। रामकिशोर तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से, प्रमोशन का मतलब है कि दूसरे की सहायता मिलने पर, उन्नति से, उसको कहा जाता है ग्रेस मार्क, अपने बल से वह पास नहीं होता है, यानी कि दो विषयों में फेल। क्यों रे शर्म नहीं आती तुझे? सलिल जी रामेश्वरी कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है, चाव का अर्थ है रुचि इच्छा, रात भर कहानी सुनाते रहो, खेलने के लिए खुला छोड़ दो और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 रुपए कोस तक चला जाता है। अब यहाँ पर रामकिशोर और रामेश्वरी अपने बेटे सलिल की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। रामकिशोर जी बताते हैं कि उसके बारे में कि वह पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, घर पर नहीं रहता है, और साथ ही साथ में वह जो है किसी तरह से पास होता है, दो दो विषय में फेल हो जाता है। तब रामेश्वरी
सलिल के बारे में बताती हैं, सलिल की रुचियों के बारे में। उसे कहानी सुनने का बड़ा चाव है, साथ में रात भर वह कहानी सुनता रहता है। खेलने के लिए वह दिन भर खेलता है और नाटक सिनेमा देखने के लिए 5 कोस दूर चला जाता है। तो यहाँ प्रश्न आपका संजाल यही बनता है, सलील के माता पिता की सलील से शिकायत। तो सलील से शिकायत क्या है? पहली चीज कि वह घर पर नहीं टिकता है, दूसरी बात कि उसको कहानी सुनने का बड़ा चाव है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। यहाँ पे आया हुआ है ना, देखिए, पढ़ाई करना घर में बैठकर, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, और क्या है, साथ ही साथ में खेलने में उसकी रुचि है, नाटक सिनेमा देखने के लिए 5 कोस दूर चला जाता है। कोस क्या होता है? कोस दूरी को, मेजरमेंट को नापने की इकाई, जिसे आप किलोमीटर कहते हैं, वैसे ही 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। रामकिशोर, जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़। सलील, नीचे गर्दन किए जाता है। रामेश्वरी, आप इतना क्यों धमकाते हैं? धमकाना यानी डराना। रामकिशोर, तुम्हारे प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है। रामेश्वरी, आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ, और फिर भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। संतान का मतलब होता है पुत्र, बच्चा। रामेश्वरी और रामकिशोर दोनों में क्या रिश्ता है? दोनों पति पत्नी हैं। ऐसे में जब बच्चे को डांट करके, डपट करके वहाँ से भगा देते हैं रामकिशोर जी, तब रामेश्वरी उनसे कहती है कि आखिर आप बच्चे को क्यों इतना धमकी देते हैं? तब रामकिशोर उलाहना देते हैं, कहते हैं कि तुमने इसे बहुत प्यार किया, इसलिए यह बिगड़ गया है। रामेश्वरी अपनी मजबूरी बताती है कि पहली बात कि वह माँ है और माँ ममता से भरी होती है, और दूसरी बात यह है कि भगवान उनको एक ही औलाद, एक ही बच्चा दिए हैं, इसीलिए उससे अत्यधिक प्रेम है उनको। रामकिशोर, यह लाड प्यार इसे बर्बाद कर देगा। यहाँ आपका स्वमत, स्वाभिव्यक्ति का प्रश्न बनता है कि लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। लाड प्यार का अर्थ होता है दुलार। सलील का प्रवेश, कॉपी पेंसिल हाथ में है। सलील, पिताजी यह सवाल कैसे होगा? रामकिशोर, अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे अब कार्यालय जाने की देरी हो रही है। सलील, मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है। रामकिशोर, तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? अब मेरा दिमाग मत था, भाग यहाँ से। सलील जाता है। अब यहाँ पर यह पढ़कर एक बात समझ में आती है कि सलील जब अपने पिताजी से कोई प्रश्न पूछता है तो उसके पिताजी समय की कमी होने का बहाना करते हैं कि अब मुझे कार्यालय ऑफिस जाना है, देर हो रही है, मैं नहीं बता पाऊँगा। फिर यह भी कहते हैं कि अपने मास्टर से पूछना था, शिक्षक से, मैं नहीं बताऊंगा, तुमको पढ़ाने के लिए शिक्षक है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए। तब सलील यह कहता है कि यह काम खुद से मास्टर जी ने घर पे ही करने के लिए कहा है, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है। ऐसे में अपने पिता से मदद मांगता है तो उसके पिताजी उसे डांटते हैं, डपटते हैं और कहते हैं कि तुमको अपनी क्लास में ही पूछ लेना चाहिए था, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, और डांट करके उसे भगा देते हैं। यहाँ छोटा सा प्रश्न बनता है कि सलील के हाथ में ये वस्तुएं थी, तो वहाँ एक बॉक्स में कॉपी, दूसरे में पेंसिल। प्रश्न बनता है कि रामकिशोर जी ने सलील के सवाल का उत्तर नहीं दिया, कारण यह कि उन्हें कार्यालय जाने में देर हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। पहला दृश्य था जहाँ पे हम लोगों ने यह देखा, समझा और जाना कि सलील दिन भर घूमता रहता है, टहलता रहता है, घर पर नहीं रहता, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, कहानी सुनना उसको बहुत पसंद है, सिनेमा देखना हो, नाटक देखना हो तो उसमें वह बहुत रुचि रखता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि वह जो है पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, दो दो विषयों में फेल हो जाता है, और पिता से जब कोई बात पूछता है, किसी प्रश्न का उत्तर, तो पिता उसके उसको उत्तर नहीं बताते हैं और ऊपर से डांटते रहते हैं, डपटते रहते हैं। अब दृश्य बदल गया। रामकिशोर कागज पढ़ते हुए,
हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5 रामेश्वरी का प्रवेश। अर्थात क्या पढ़ रहे हो? वे सलील का नंबर पढ़ रहे हैं, परीक्षा हुई है और परीक्षा में सलील को इस तरह से अंक मिले, इस तरह से मार्क मिला है। हिंदी में 20 मार्क में 20 में से एक ही नंबर मिला है, अंग्रेजी में भी 20 में से 0 मिला है यानी एक भी नंबर नहीं मिला, गणित में 20 में से केवल 2 नंबर पाए, सामान्य ज्ञान में जनरल नॉलेज में 10 में से केवल 2 नंबर पाए हैं और सामाजिक विज्ञान अर्थात इतिहास भूगोल में 10 में से केवल 1.5 नंबर हैं। तो इस तरह से अब देख करके समझ में आता है कि सलील पढ़ने में बहुत कमज़ोर है या पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता। अब क्यों नहीं ध्यान देता, क्या परेशानी है, वह हम लोग आगे देखें। प्रश्न यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण आपका बनता है कि सलील को परीक्षा में इस तरह से अंक मिले हुए हैं, तो पहले बॉक्स में हम लिखेंगे यह वाला हिंदी में 20 में से 1, दूसरे में लिखेंगे अंग्रेजी में 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2, अगले बॉक्स में लिखेंगे सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5 नंबर। रामेश्वरी का प्रवेश, रामेश्वरी पत्र कहाँ से आया? सलील के मामा का पत्र आए, बहुत दिन हो गए। क्यों, सब राजी खुशी तो है ना? राजी खुशी अर्थात ठीक ठाक प्रसन्न चित। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि रामेश्वरी के द्वारा पूछा गया प्रश्न तो वह होगा पत्र कहाँ से आया है, और दूसरा यहाँ पे आएगा सब राजी खुशी तो है ना। होता क्या है कि जिस समय सलील का नंबर है, उसके पिताजी रामकिशोर जी देखते रहते हैं, उसी समय रामेश्वरी वहाँ आ जाती है, रामकिशोर की पत्नी श्रीमती जी आ जाती हैं। उनको लगता है कि शायद उनके भाई जी के यहाँ से, उनके भाई के यहाँ से पत्र आया है, लेटर आया है, और वे जानना चाहती हैं कि वहाँ का हालचाल क्या है। रामकिशोर, यह पत्र सलील के मामा का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है, परिणाम मतलब रिजल्ट, और साथ ही कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। रामेश्वरी के पूछने पर कि यह पत्र किसका है, कहां से आया, शायद उसके मायके से उसके भाई ने भेजा है, सलील के मामा ने भेजा है, तब रामकिशोर उसे बताते हैं कि यह पत्र सलील के मामा का नहीं है बल्कि सलील का रिजल्ट, सलील का रिजल्ट है यह, और इसमें साथ ही साथ उसके क्लास टीचर कक्षा अध्यापक ने एक लेटर भी भेजा है। तो यहाँ पे भी आपका एक प्रश्न बन जाता है कि रामेश्वरी के प्रश्न के जवाब में रामकिशोर ने यह बातें कही, तो यहाँ पे आएगा कि यह पत्र सलील के मामा के का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है, यह एक बॉक्स में आएगा। दूसरे में आएगा साथ ही कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। आगे बढ़ते हैं, सलील का रिजल्ट आया हुआ है, उसको नंबर बहुत खराब मिले। अब देखते हैं एक माता पिता की दुविधा, उसकी चिंता क्या होती है अपने बच्चे को लेकर के। क्यों, सलील पास हो गया ना, स्कूल तो रोज जाता है। अब माँ है, माँ तो यही समझती है कि बच्चा हमेशा पास ही होगा, और अगर वह स्कूल रोज जा रहा है, विद्यालय रोज जा रहा है, तो उसको अच्छे नंबर मिलने चाहिए भले वह पढ़े या ना पढ़े। रामकिशोर, तुम्हारा लाडला बुरी तरह फेल हुआ है। लाडला अर्थात दुलारा, प्यारा। रामेश्वरी, आप निराश मत होइए, सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ मास्टर जी ने क्या लिखा है? रामकिशोर, सुनना चाहती हो? रामेश्वरी, हाँ पढ़िए। रामकिशोर पत्र पढ़ते हैं। दोनों पति पत्नी सलील के रिजल्ट को लेकर के बहुत दुखी है, चिंतित है। ऐसे में सलील की माँ रामेश्वरी अपने पति रामकिशोर जी को समझाती है कि आने वाले समय में सलील पास हो जाएगा, आपको दुखी होने, निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी वह छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होगा, समझदार हो जाएगा। फिर वह प्रश्न करती है कि मास्टर जी ने, कक्षा अध्यापक जी ने, क्लास टीचर ने जो लेटर दिया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है? तब रामकिशोर जी उसे सुनाते हैं कि पत्र में क्या लिखा है, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है। रामकिशोर, प्रिय रामकिशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ, अर्थात
उसके बारे में अब तक मैंने जो कुछ समझा है, जाना है, उसकी इसकी उसकी स्टडी की है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वह मैं लिख रहा हूं। मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुप रहता है, तो क्या लिखा उन्होंने सलील के बारे में कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो या संकोच हो। तो रामकिशोर जी के पढ़ रहे थे पत्र, तो उसमें सलील के कक्षा अध्यापक ने लिखा हुआ है कि सलील हमेशा चुप रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह उसके मन में कोई डर बैठ गया है, वह डरता रहता है, साथ ही वह भयभीत भी रहता है और उसे बड़ा संकोच होता है, झिझक होती, संकोच का अर्थ है झिझक। तो कौन कौन सी बातें बता दी उन्होंने सलील के बारे में कि सलील हमेशा चुप रहता है और उसके दिल में, उसके मन में डर बैठा है या भय बैठा है या संकोच बैठा हुआ है। वह तन से तो स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब ठीक है, पर मन से नहीं। तो वे अगली बात यह कहते हैं कि सलील जो है वह शरीर से देखने पे तो लगता है कि उसको कोई बीमारी नहीं, वह पूरी तरह स्वस्थ है, फिट है, लेकिन उसका मन जो है वह बीमार है, वह मन का रोगी है। उसका मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं मिला, ऐसा मैंने देखा। आगे वे कहते हैं कि शायद उसे देखकर ऐसा लगता है कि सलील जो है कोई बात बताना चाहता, कुछ बातें कहना चाहता है, लेकिन जैसे लगता है कि उससे उसकी बात को सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई उसकी बात को ध्यान से सुनना नहीं चाहता। आप इसके परिणाम को देखकर निराश न हो, इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाया करती है, हमें इसका हल खोजना है। आगे वे समझाते हैं कि सलील का यह जो रिजल्ट आया है, 20 में से 1, 20 में से 0, 20 में से 2, 10 में से 1, 1, 10 में से 1.5, यह जो है इस नंबर को देखकर उन्हें निराश नहीं होना है, अर्थात दुखी नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के नंबर गिर जाते हैं, अर्थात कम हो जाते हैं, और उनकी उन्नति अर्थात प्रगति मतलब विकास रुक जाया करती है, कम हो जाती है। हमें इसका जो हल है, इस समस्या का जो हल है, इस सवाल का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, उसे खोजना चाहिए कि आखिर उसका नंबर क्यों गिर रहा है। धन्यवाद भावदीय रामनाथ, कक्षा छठी। अब यहाँ पे देखें तो यह पता चलता है कि सलील जो है कक्षा छठी में पढ़ता है, उसके कक्षा अध्यापक का नाम रामनाथ है, तो पत्र भेजने वाले का नाम रामनाथ। वे किस कक्षा के अध्यापक हैं? छठी कक्षा के अध्यापक हैं। उन्होंने किसे पत्र लिखा है? उन्होंने सलील के पिता रामकिशोर को पत्र लिखा। आइए देखें कि यहाँ प्रश्न क्या बना, संजाल क्या बना। प्रश्न आएगा संजाल पूर्ण कीजिए, और प्रश्न में रहेगा कि मास्टर साहब ने पत्र में सलील के विषय में ये बातें लिखी, तो सबसे पहले आ जाएगा सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर, भय या संकोच हो, यह पहले बॉक्स में आएगा। दूसरे में आएगा वह तन से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ नहीं है। आगे आएगा कि उसका मन कुछ कहना चाहता पर कोई सुनने वाला नहीं है। आगे आएगा कि यहां से सलील के रिजल्ट को देखकर, उसके परिणाम को देखकर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे पेज के आधार पर यह आएगा रिश्ते पहचानिए। तो प्रश्न आपका जो बना, एक प्रश्न यहां से हुआ कि सलील और रामेश्वरी में संबंध क्या है, क्या रिश्ता है दोनों के बीच में। तो सलील जो है वह पुत्र है, रामेश्वरी माँ है। अगला आपका प्रश्न है कि रामेश्वरी और रामकिशोर जी में क्या संबंध है। रामेश्वरी पत्नी है, रामकिशोर जी पति हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है कि रामकिशोर और सलील में क्या संबंध है। रामकिशोर पिता है, सलील जो है वह पुत्र है। अगला प्रश्न बनता है कि रामकिशोर
रामकिशोर और रामनाथ जी में क्या संबंध है? तो रामकिशोर सलिल के पिता हैं, रामकिशोर सलिल के पिता हैं और रामनाथ जी सलिल के कक्षा अध्यापक हैं। आइए अब आगे देखते हैं, एक और बनेगा सलिल और रामनाथ में संबंध, तो क्या रिश्ता है? सलिल विद्यार्थी है, रामनाथ कक्षा अध्यापक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामेश्वरी, सलिल आज कुछ घुटा घुटा सा तो रहता है, आजकल कुछ घुटा घुटा सा तो रहता है, आजकल शब्द युग में है, घुटा घुटा शब्द युग में है। घुटा घुटा यानी दबा दबा सा, यानी जब कोई बात वह नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कर पाता तो उसे घुटा घुटा कहा जाता है। रामकिशोर, हाँ आज से मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए बुलाया है, बड़े अच्छे हैं, घड़ी देखते हुए वे अभी आते होंगे, तुम जरा सलिल को बुलाओ। रामेश्वरी का प्रस्थान, अध्यापक महोदय का प्रवेश, अध्यापक नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर जी को पता है, लग गया कि मेरा बेटा जो है वह पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है, इस कारण से उन्होंने उसके लिए एक अनुशिक्षक, अनुशिक्षक यानी ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूटर को रखा हुआ है। वे कहते हैं कि वो पढ़ाने में बड़े अच्छे हैं, उनको बुलाया। प्रस्थान, प्रस्थान मतलब जाना। जैसे ही सलिल की मम्मी रामेश्वरी वहाँ से जाती हैं, वैसे ही अध्यापक जी जो ट्यूशन पढ़ाने आने वाले थे वे आ गए। उन्होंने सबसे पहले रामकिशोर जी को नमस्कार किया। रामकिशोर, नमस्कार, आइए चंद्रशेखर जी, मैं अभी अभी आपकी ही बात कर रहा था। तो अध्यापक, कहिए क्या आज्ञा है? जब रामकिशोर जी और चंद्रशेखर जी मिलते हैं, चंद्रशेखर किसका नाम है जो सलिल को पढ़ाने के लिए घर पर आने वाले ट्यूशन लेने वाले शिक्षक हैं, उनका नाम है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि सलिल के मास्टर के नाम तो एक होगा रामनाथ और दूसरा चंद्रशेखर। रामकिशोर, आपसे मैं क्या कहूँ चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। यह देखिए सलिल के पहले टेस्ट का परिणाम और साथ में एक अच्छा अध्यापक का पत्र भी, अध्यापक दोनों पढ़ते। अध्यापक, मैं समझ गया, सलिल की माँ का सलिल के साथ प्रवेश। रामेश्वरी, नमस्कार मास्टर जी। सलिल, नमस्ते। अध्यापक, सलिल तो बड़ा अच्छा लड़का है रामकिशोर, पर मास्टर जी इसके नंबर तो देखिए ना, किसी विषय में पास नहीं है। अध्यापक, रामेश्वरी, बोलो सलिल चुप क्यों खड़े हो? अध्यापक, आप इसकी चिंता मत कीजिए, सलिल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। रामेश्वरी जी ठीक है। अध्यापक, सलिल अब तुम जाओ, सलिल का प्रस्थान, अब मैं आप लोगों से सलिल के विषय में दो चार बातें पूछना चाहूँगा, आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सलिल के माता पिता से सलिल के लिए, सलिल को पढ़ाने के लिए आए हुए जो मास्टर जी हैं चंद्रशेखर जी, वो कुछ बातें करना चाहते हैं। उनका मानना है कि सलिल बहुत अच्छा बच्चा है। यहाँ तक हम पढ़ते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।